शिवाय। आगे की दांतों में है खाली जगह, तो जाने कितने किस्मत वाले हैं। राम राम, मैं पंडित स्किम्स। आज मैं इसी टॉपिक पर इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालने वाला हूँ। अगर आप आगे के दांत के बिल्कुल गैप है, थोड़ा तो खाली स्थान है, तो सामुद्रिक शास्त्र क्या कहता है। सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच के गैप को बहुत भाग्यशाली माना है। कहा जाता है कि जिनके सामने के दांतों में खाली जगह होती है, ऐसे लोग पैसे से लेकर करियर तक के मामले में काफी भाग्यशाली होते हैं। यह भी कहा जाता है कि ये लोग काफी बातों में रोते हैं। जिन लोग के सामने के दांतों के बीच खाली जगह होती है, उन्हें ससुराल से भी लाभ मिलता है। हम अब यहाँ बताएंगे ऐसे लोग के अंदर क्या क्या और खूबियां हैं। अगर दांतों के बीच खाली जगह है, तो मान्यता है कि ऐसे लोग काफी बुद्धिमान होते हैं। स्किल्स की बात की जाए तो ऐसे लोग काफी क्रिएटिव होते हैं और जीवन में अपनी बुद्धिमत्ता की वजह से आगे बढ़ते हैं। करियर की बात किया जाए तो ये होते हैं सक्सेसफुल। ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों के दांतों के बीच में गैप होता है, वे लोग करियर में हर तरह सफलता हासिल करते हैं। ऊंची से ऊंची सफलता प्राप्त या आसानी से कर लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं बहुत बातों ने। समुद्र शास्त्र की मान्यता के अनुसार चले तो जिन लोगों के दांतों के बीच में जगह होती है, गैप होता है, ऐसे लोग बहुत बातूनी होते हैं और बातें बनाते थकते भी नहीं है। ऐसे लोग होते हैं खाने पीने के बहुत शौकीन। सामुद शास्त्र के अनुसार इन लोगों को हेल्दी और तरह तरह के खाना काफी पसंद होता है। और अगर आर्थिक मामलों की बात किया जाए तो ये लोग आर्थिक मामलों में फैसला लेने में काफी सक्षम होते हैं। पैसों के मामले में जीवन भर ये काफी अच्छे भाग्यशाली रहते हैं। मैंने यहाँ जो बताया है वास्तुशास्त्र के आधार बताया है। आशा को पूर्ण आया हूँ। धन्यवाद। राम राम।